ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हर साल की तरह दीपावली का त्योहार मनाने धौलपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिहार और एमपी सहित देश के 12 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव व उपचुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत का जश्न मनाया। मैडम राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। अपने निजी आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता एवं नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिहार एवं मध्य प्रदेश में हुई चुनावी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। सीएम राजे ने बैठक के दौरान कहा, भाजपा पार्टी एक सूत्र में बंधी हुई है, जीत का श्रेय जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जाता है। मैडम वसुंधरा राजे ने बिहार में एनडीए की जीत एवं मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता फिर से काबिज होने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को बधाई दी। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि बिहार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, उसी को लेकर स्थानीय जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। कार्यकर्ताओं के साथ बिहार एवं मध्य प्रदेश की जीत को सेलिब्रेट किया है। उन्होंने कहा, बिहार एवं मध्य प्रदेश चुनाव में जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री को मैं शुभकामनाएं देती हूं। स्थानीय जिले के लोगों का भी इस जीत में हिस्सा रहा है। मीडिया के सवाल पर मैडम वसुंधरा राजे ने कहा कि ओपिनियन पोल हमेशा सही साबित नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, बिहार प्रदेश में जमीनी स्तर पर भाजपा पार्टी ने बेहद सराहनीय काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव जीती है। बिहार प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। पूर्व सीएम राजे ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की शुभकामनाएं दी। उन्हीं की मेहनत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आगे आने वाले 2 दिनों बाद दीपावली का बड़ा त्योहार है, लिहाजा निजी स्तर पर जिले के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेताओं को बुलाकर बिहार एवं मध्य प्रदेश की जीत को सेलिब्रेट किया है। मैडम राजे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मास्क लगाने के बाद जश्न मनाना मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दीपावली का त्योहार मनाने अपने गृह जिले धौलपुर में पहुंची हैं। धौलपुर पहुंचने पर पूर्व सीएम का भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं नेताओं ने गर्म जोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जिले के सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।